आज हम दोस्त प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन का रिएक्शन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो रिएक्शन नंबर 3 आपका दोस्त विनाइलिक हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन। ठीक है दोस्त, हमको अल्किन के विनाइलिक कार्बन पर हेलोजन को जोड़ना है, वही आपका विनाइलिक हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन कहलाएगा। तो सबसे पहले दोस्त लोवेस्ट अल्किन के रूप में हम लोग इथिन को लेते हैं, तो सबस्ट्रेट के रूप में इथिन लेने जा रहे हैं। इथिन का फॉर्मूला हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका CH2। रिएजेंट के रूप में दोस्त लेनी है ब्रोमीन, ये हो गया आपका ब्रोमीन। और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में दोस्त नॉन पोलर सॉल्वेंट को लेंगे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेंगे। देखिए दोस्त, जब कभी कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो होने वाला फिजन आपका होमोलाइटिक फिजन कहलाता है। एक बॉन्ड को तोड़िएगा तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़े दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ब्रोमीन को दे दिए, ये बन गया आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल। फिर एक पाई बॉन्ड को तोड़े दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन को दे दिए और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दे दिए। अब CH2 था दोस्त, यहाँ पर लिख दिए CH2। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ब्रोमो ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिए ब्रोमो ग्रुप, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लगा दिए सिंगल बॉन्ड, CH2 था तो यहाँ पर लगा दिए CH2। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ब्रोमो ग्रुप था यहाँ पर लिख दिए दोस्त ब्रोमो ग्रुप, यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दे दिए, सिंगल बॉन्ड था तो दोस्त सिंगल बॉन्ड दे दिए। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका ई, डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए ई। तो दो कार्बन के एल्किन को इथिन कहते हैं, अब Br2 को हम लोग दोस्त ब्रोमीन बोलते हैं, यहाँ पर रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन लेनी है। प्रिंसिपल चेन हो गया दो कार्बन का, तो वन पर ब्रोमो है टू पर ब्रोमो है, यहाँ देखिए दोस्त वन टू डाई ब्रोमो। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका ई, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर नंबर है तो कॉमा लगा दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। देखिए दोस्त, यदि दो हेलोजन एटम जुड़े हुए हो अगल बगल कार्बन पर तो उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। देखिए दोस्त, इसका जनरल रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे हम लोग, जब अल्किन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में विसिनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए जब इथिन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बनता है, जो एक तरह का विसिनल डाई हैलाइड है। नेक्स्ट अल्किन है आपका दोस्त CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएजेंट है आपका ब्रोमीन, यहाँ पर ले लिए ब्रोमीन, और सॉल्वेंट है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है दोस्त, यहाँ भी होने वाला फीचर होमोलाइटिक फीचर होगा, एक बॉन्ड को तोड़े दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दे दिए और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ब्रोमीन को दे दिए, फिर एक पाई बॉन्ड को तोड़े दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दे दिए। CH3 सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH है तो यहाँ पर लिख दिए तो CH। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ब्रोमो ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए ब्रोमो ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CH2 था यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH2। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया,
ब्रोमो ग्रुप था दोस्त, तो यहाँ पर लिखी है ब्रोमो ग्रुप। तीसरा आपका दोस्त मेन प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिखी है, डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड लिखी है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त प्रोप। डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ईन, तो तीन कार्बन के अल्किन को प्रोपिन बोलते हैं। रिएजेंट है आपका Br2, तो Br2 को हम लोग दोस्त ब्रोमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए ब्रोमीन। प्रिंसिपल चेन के दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये दोनों प्रिंसिपल चेन से बाहर है, तो ये दोनों ब्रोमो ग्रुप बन गए ब्रांच। तो यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो वन पर ब्रोमो, टू पर ब्रोमो। यहाँ लिखिए वन टू डाय ब्रोमो। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखिए। नंबर नंबर है तो कॉमा लगा दिए, नंबर अल्फाबेट के लिए हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1,2-dibromopropane। तो जब प्रोपेन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1,2-dibromopropane बनता है, जो एक तरह का विसिनल डाय हैलाइड है। ठीक है दोस्त, यदि दो हेलोजन एटम जुड़े हुए हो अगल बगल कार्बन पर तो आपका विसिनल डाय हैलाइड कहलाता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग साइक्लो अल्किन लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हो गया आपका 6 कार्बन का साइक्लिक चेन, जिसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर लगा दिए डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सीन। रिएजेंट के रूप में ले लिए दोस्त ब्रोमीन, यहाँ पर हो गया ब्रोमीन। और सॉल्वेंट के रूप में लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है दोस्त, जहाँ ब्रोमीन लिए है वहाँ क्लोरीन भी ले सकते हैं। तो जब सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड को लिया जाता है ना, तो होने वाला फिजन होमोलाइट्रिक फिजन कहलाता है। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दिए और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ब्रोमीन को दिए। फिर एक पाई बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन टॉप कार्बन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन बॉटम कार्बन को दिए। 6 कार्बन का साइक्लिक चेन था, यहाँ पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दिए। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमो ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिए ब्रोमो ग्रुप। फिर ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमो ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिए दोस्त ब्रोमो ग्रुप। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर, फाइव और ये हो गया 6 कार्बन। ये दोनों ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चले गए, ये दोनों बन गए ब्रांच। सबसे पहले यूपेक नेम में हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो वन पर ब्रोमो, टू पर ब्रोमो, ये हो गया 1,2-dibromo। ये एक तरह का क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो प्रीफिक्स के यूज करते हैं। यहाँ पर लिखिए दो साइक्लो। टोटल कार्बन 6 है तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स, तो यहाँ पर लिखिए दो हेक्स। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए दोस्त एन। नंबर नंबर है कॉमा, नंबर अल्फाबेट है हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1,2-dibromocyclohexane। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दे दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिखिए। तो 6 क्लोज चेन के लिए यहाँ पर लिखिए दो साइक्लो। और फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए लिखिए ईन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया साइक्लोहेक्सीन। तो जब साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1,2-dibromocyclohexane का फॉर्मेशन होता है, जो एक तरह का विसिनल डायहैलाइड का एग्जांपल है।
तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में विनाइलिक हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।